हमारा कंट्री तो खेती प्रधान है, लेकिन स्कूल लेवल पे बच्चों को खेती का ज्ञान ही नहीं मिलता। तो मैंने उस एनजीओ को साथ कम्युनिकेशन किया और भारत में पहली स्कूल ऐसी है सेकेंडरी लेवल में, खेती के बारे में नया तकनीक सिखाने का प्रोग्राम चल रहा है। उसका नाम है फली, फ्यूचर फार्मेसी लीडर्स ऑफ इंडिया। इसका फायदा ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चे बीएससी एग्री करने लगे हैं, वो डेयरी टेक्नोलॉजी सीख जी रहे हैं, यानी कि खेती के बारे में उसको इंटरेस्ट आ गया है। इनके अलावा हम हर सैटरडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और एवरी मंथ विदेश में जर्मनी फ्रांस के बच्चों के साथ भी डिस्कस करते हैं। ओ, हमारे यहाँ कल्चर कैसे है, उसके यहाँ कल्चर कैसे है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैसा है, उसके यहाँ खेती का प्रोडक्शन कैसा है, और स्कूल कैसा है, यहाँ का स्कूल कैसा है, वहाँ का स्कूल कैसा है, वहाँ स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, यहाँ स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। बच्चे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब बच्चों को जो भाषा समझ में नहीं आती तो हमें ट्रांसलेटर लेना पड़ता है, लेकिन बच्चों को बहुत आनंद लगता है कि नहीं, मैं वहाँ क्या कर चल रहा है, ये बच्चे खुद सीखते हैं, तो बहुत बच्चों को बहुत आनंद होता है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोशाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर कहानी के 8वें एपिसोड में मैं सुरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले से श्री विनोद बोमले जी। विनोद जी पिछले 25 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अभी हरकनी विद्यालय गावड़ेवाड़ी पुणे में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। इस एपिसोड में हम विनोद जी से समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने बच्चों को सिखाने में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया है। तो सर, बातचीत शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद में हम आज की हमारी बातचीत करेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है सर, कि मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको 30 सेकंड में देना है। ठीक है सर, रेडी? ठीक है सर, रेडी। ओके। तो सर, सबसे पहले आपने कंप्यूटर कब देखा था? 1994 में जब मैं बीएड एजुकेशन ले रहा था तब मैंने कंप्यूटर देखा। ओके। अगला सवाल है सर, कि जब आपने कंप्यूटर देखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या छवि बनी कंप्यूटर को लेके? कंप्यूटर के बारे में तो उत्सुकता थी कि एक क्या चीज है, लेकिन वो कोडिंग सिस्टम में था, पहले स्टेज में था, तो समझ में नहीं ज्यादा नहीं आता था, बार बार रिहर्सल करना पड़ता था। ओके। तो आपने काफी साल कंप्यूटर के साथ काम किया है, तो अभी आपके दिमाग में क्या छवि है कंप्यूटर को लेके? कंप्यूटर तो अपने जीवन का अविभाज्य भाग बन रहा है, कंप्यूटर के बिना हम जी ही नहीं सकते, इतना तो कंप्यूटर जीने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल आपसे है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए है कि आप कम लैपटॉप पे काम करते हैं सर? हाँ सर, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ओके। लैपटॉप के कीबोर्ड पे कितने शिफ्ट बटन होते हैं? सर, दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सर, आपके साथ जो सवाल थे उनके सबके जवाब आपने सही दिए, तो एक्टिविटी को यहीं समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर अपनी बातचीत के लिए। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके से रही है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से रही है। मैं ग्रामीण एरिया में रहता था और मेरा जो पारिवारिक पार्श्वभूमि है वो बहुत ही सामान्य है, और मैं ग्रामीण एरिया में स्कूल में पढ़ रहा था, फिर पीजी सेक्शन मैंने पूना में ले लिया था। तो सर, अगर बातचीत करें कि कोविड-19 का जो समय है उसके दौरान, तो हम बच्चों के साथ जिनके पास स्मार्टफोन होते हैं तो हम गूगल मीट, जूम कॉल के द्वारा उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके साथ आप कैसे जुड़ते हैं?
हमने पहले बच्चों को ढूंढा किसके पास एंड्रॉइड फोन है, किसके पास सिंपल फोन है, किसके पास फोन ही नहीं है। तो जिसके पास सिंपल फोन है उससे हम कॉल कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हैं और कॉल कॉन्फ्रेंस से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों के पास फोन ही नहीं है उनके साथ आप कैसे कनेक्ट होते हैं? अभी तो COVID-19 का हमें टीचर लोगों को सर्वे दे दिया है और जिस बच्चे के पास फोन नहीं है उस बच्चों के हम घर गए। तो जिस बच्चे के पास फोन नहीं है उससे हमें कहा कि हम स्टडी मटेरियल दे देंगे, हफ्ते में 2 बार आएंगे, तो पहली बार आप स्टडी करेंगे, फिर अगले बार आएंगे तो वो आपने जो स्टडी किया है वो हमें दे दो, हम चेक करके आगे आपको दे देंगे। ऐसा करके हम बच्चों से हफ्ते में 2 बार संपर्क करते हैं। तो सर अभी COVID-19 के समय को अगर छोड़ के बात करें तो आपके विद्यालय ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जिनमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रही है? हाँ सर, अभी तो हमने पूरा स्कूल डिजिटल बनाया है, वो प्रोजेक्टर के द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंस से बच्चों को हर एक बार नया नया तरीका हम सिखाते हैं, ऑडियो वीडियो द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी है और बिजली की जी समस्या होती है उसके लिए हमने टोटल स्कूल सोलर पे ले लिया है, एनजीओ की हेल्प करके वो सोलर पे ले लिया है। और बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि खुद जाओ कंप्यूटर लैब में, खुद जाओ, खुद यूट्यूब पे सर्च करो, विकिपीडिया सर्च करो और आपको जो हम टेक्निकल स्कूल में जो सिखाते हैं, नया नया तकनीक सिखाते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी आप खोजो और हमसे बात करके आप नया नया कुछ करके दिखाओ, आपको जो पसंद होगा वो नया नया करके दिखाओ। ऐसे बच्चे को बहुत ही आनंद मिलता है, हमें कुछ खोजना मिलता है और कुछ नया करने को मिलता है, ये बच्चे को बहुत आनंद मिलता है तो हमें भी बहुत आनंद होता है। इनके अलावा हमने स्कूल में स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू किया है सर, UNESCOEP के अंडर जो होते हैं ना मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, पिछले 12 साल से हम शुरू करे और इस प्रोग्राम के लिए हमारे नजदीक के विज्ञान आश्रम पावल है उसकी सहायता से हम ये कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट नहीं होता, फंडिंग सपोर्ट नहीं होता, तो इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए लैंड हैंड इंडिया नाम की जो संस्था है वो हमें सपोर्ट करती है और वो इंस्टीट्यूट के द्वारा हम ये तकनीकी स्कूल चलाते हैं। और ये तकनीकी स्कूल में हम 4 सेक्शन में बच्चों को पढ़ाते हैं, 2 साल में 36 स्किल बच्चे पढ़ते हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, पहला होता है इंजीनियरिंग, दूसरा होता है फार्मिंग, तीसरा होता है एनर्जी एंड एनवायरमेंट, चौथा होता है होम एंड हेल्थ साइंस। इस 4 सेक्शन में बच्चों को हम नया नया सिखाते हैं, सॉइल टेस्टिंग करना, वाटर टेस्टिंग करना, यानी कि हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करना, लैंड मेजरमेंट करना, कुछ प्रोसेस करना, फूड प्रोसेस करना, फूड प्रोसेस की मार्केटिंग भी करना सीखे। तो फूड प्रोसेस करते समय प्रोटीन्स कितना होता है, मिनरल्स कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है, ये बच्चे खुद ढूंढते हैं। और उसके लिए इंजीनियरिंग भी सेक्शन है, इंजीनियरिंग सेक्शन में हम तो ड्राइंग सिखाते हैं, ड्राइंग इंजीनियरिंग लेवल का ड्राइंग ये बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो हमने क्या सोचा कि बच्चों को कुछ नया इंजीनियरिंग स्किल देने के लिए क्या ढूंढे, तो हम क्या करते हैं आजू बाजू में जब कोई एग्जीबिशन होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे वहाँ हम भेजते। और एक बात बताने के लिए सर, हमारे जो देश है वो एग्रीकल्चर देश है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में क्या होते हैं, बहुत ही सारे फार्मर कुछ संकट आया तो सुसाइड करते हैं। तो वो फार्मर क्यों सुसाइड करते हैं, इसका रीजन खोजना चाहिए। तो हमारे एक एनजीओ है जिसका नाम अमेरिका में FFA है, फ्यूचर फार्मर्स इन अमेरिका जी। अमेरिका में तो हर एक स्कूल में FFA सिखाते हैं, हमारा कंट्री तो खेती प्रधान है लेकिन स्कूल लेवल पे बच्चों को खेती का ज्ञान ही नहीं मिलता। तो मैंने उस एनजीओ के साथ कम्युनिकेशन किया और भारत में पहली स्कूल ऐसी है सेकेंडरी लेवल में खेती के बारे में नया तकनीक सिखाने का प्रोग्राम चलता है।
उसका नाम है फली, फ्यूचर फार्मेसी लीडर्स ऑफ इंडिया। इसका फायदा ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे बीएससी एग्री करने लगे हैं, वो डेयरी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, यानी कि खेती के बारे में उसको इंटरेस्ट आ गया है। इनके अलावा हम हर सैटरडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एवरी मंथ विदेश में जर्मनी फ्रांस के बच्चों के साथ भी डिस्कस करते हैं, वो हमारे यहाँ कल्चर कैसे है, उसके यहाँ कल्चर कैसे है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैसा है, उसके यहाँ खेती का प्रोडक्शन कैसा है, और स्कूल कैसा है, यहाँ का स्कूल कैसा है, वहाँ का स्कूल कैसा है, वहाँ स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, यहाँ स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। बच्चे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं, और बच्चों को जब भाषा समझ में नहीं आती तो हमें ट्रांसलेटर लेना पड़ता है, लेकिन बच्चों को बहुत आनंद लगता है कि नहीं मैं वहाँ क्या कर चल रहा है, ये बच्चे खुद सीखते हैं, तो बहुत बच्चों को बहुत आनंद होता है। जी सर, तो सर ऐसा कोई अनुभव आप शेयर करेंगे कि जिसमें वहां के कल्चर को देख के बच्चों को आश्चर्य हुआ, या यहाँ के कल्चर को देख के वहां के लोगों को आश्चर्य हुआ, इस तरीके का कोई अनुभव आपके पास अगर है? हाँ सर, खेती के बारे में बहुत बच्चों को बदलाव दिखा है। बच्चे कह रहे हैं उसके यहाँ जो फल है आपके यहाँ क्यों नहीं लगाती, आपके यहाँ जो फल है उसके यहाँ क्यों नहीं लगाती, उसके यहाँ क्या क्या खाने में खेती में क्या क्या उगाते हैं, तो हम भी क्यों ना ट्राई करेंगे हमारे स्कूल में। तो हमने वो भी इंतजाम कर दिया है कि बच्चे वही के क्रॉप यहाँ लेते हैं, विदेश के क्रॉप यहाँ लेने का ट्राई करते हैं सर। ओ, तो वहां से वो बातचीत से जब निकल के आया कि वहां कौन सी क्रॉप होती है और यहाँ कौन सी क्रॉप होती है, तो बच्चों ने प्लान किया है कि वहां जो क्रॉप होती है वो आप यहाँ अपने स्कूल में पैदावार करके देखेंगे। जी सर, जी सर, और किया है ओके भी सर, बच्चों ने, बहुत ही बच्चों को आनंद हो गया, और वो जो फसल पैदा हुई तो घर पे लेके गए, हमारे स्कूल में क्या क्या सिखाते, देखो हम ये ऐसा करने वाले, हम वैसे करने वाले, बच्चों घर में भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं। ओके। तो सर ये जो जितने भी आपने फाउंडेशनल कोर्स बताए, इन सब में कंप्यूटर की क्या भूमिका आपको नजर आती है? हाँ सर, जब बच्चे इस तकनीक सीखते हैं तो कंप्यूटर का बहुत ही योगदान होता है। ये चिक्की बनाती है, कुछ कुछ भी जैम बनाती है, जेली बनाती है, तो बच्चे पहले ढूंढते हैं कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन्स कितना कितना होता है, प्रोसेस कैसे करने का है, ये बच्चे कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करने है, फ्लो चार्ट कैसा होता है, ये बच्चे खुद पढ़ते हैं और फिर बाद में ट्राई करते हैं। तो सर ये 3D प्रिंटर जो है आपने बताया, तो 3D प्रिंटर क्या है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे, और आपने कहाँ से 3D प्रिंटर का आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? जैसे कि IIT में बच्चों को भेजा था, 10-12 दिन भेजा था, बच्चों ने वहाँ खूब कुछ नया तकनीक सीखा, और बच्चों ने मेरे को कहा सर जी वहाँ तो खूब अच्छा अच्छा मशीनरी है, आपके स्कूल लाओ ना। तो मैंने भी सोचा ठीक है, मैंने विज्ञान आश्रम से संपर्क किया कि बच्चे ऐसे मांग रहे, तो हम इंजीनियरिंग सेक्शन में यूज होने के लिए क्या हम 3D प्रिंटिंग लाएंगे क्या, तो उसने भी सपोर्ट किया, और एक NGO है ILFS कंपनी का, उसने हमें 3D प्रिंटर दे दिया है, वो भी बहुत बड़ा दिया है, तो बच्चों को बहुत ही खुशी हो गई। इंजीनियरिंग में जो सीखते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वगैरह जो सीखते हैं वो बच्चों खुद करते हैं, और साइंस प्रोजेक्ट में क्या होता है, अपने सब्जेक्ट में जो मॉडल होता है वो बच्चे यहाँ करते हैं, ये कैसा दिखता है, ये तो करते हैं, लेकिन बच्चों के मैंने पढ़ा कि वो जो स्टैंड है, ट्राइपॉड तो टूटा था, तो ट्राइपॉड का क्या, उसने मशीन पर एक जॉब बनाया, पहला फेल हो गया, दूसरा बनाया, दूसरा थोड़ा फेल हो गया, तीसरे में सक्सेस हो गया, बच्चों को बहुत आनंद हो गया कि मैं कुछ कर सकता था, जिसमें 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च होना था वो बच गया। अभी हमने एक बिल्डिंग का मॉडल बनाया बच्चों ने 3D में, बहुत बच्चों को बहुत आनंद हो गया कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में मैं बना सकता है, और इसके बारे में खोज रहे थे बच्चे 3D प्रिंटर का यूज क्या किस किस में होता है, या कंस्ट्रक्शन में होता है, मेडिकल में यूज होता है, इंजीनियरिंग में पेड़ बनाने के लिए होता है। बच्चों को ये भी बात मालूम हो गई कि हमारे शरीर में जो कुछ पार्ट है वो भी हम 3D प्रिंटर से बनाते हैं। पुणे में जहांगीर हॉस्पिटल है,
वहाँ तो 3D प्रिंटिंग पर एक जॉब बनाया और वो प्लांट किया ह्यूमन बॉडी में। तो बच्चों को मालूम हो गया कि 3D प्रिंटिंग बहुत ही फील्ड में यूजफुल होते हैं, इसलिए हमने बच्चों के लिए वो मंगा लिया है। इस 3D प्रिंटर से बच्चों ने कुछ फनी आइटम भी बनाए क्या? हाँ सर, बहुत ही स्पाइडर बनाया, ऑक्टोपस बनाया, बहुत ही अच्छा, डिश बनाया, मोबाइल स्टैंड बनाया, बहुत ही उसके दिमाग में जो आया ना वो बनाते हैं, फूल बनाते हैं, नए नए कुछ ढूंढते हैं, इंटरनेट में ढूंढते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, और उसी 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 से बच्चों को आइडिया आते कि नहीं मैं ये बना सकता हूँ। तो बच्चों ने मोबाइल स्टैंड बना दिया, वो हैंगिंग स्टैंड बना दिया, टेबल पे रखने वाला स्टैंड बना दिया, और स्कूल में जो सीखते हैं उसके बुक में जो होते हैं वो भी मॉडल बना दिया बच्चे। सर जब आपके स्कूल में ये सब संसाधन नहीं थे, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड ये सब नहीं थे, तो अभी ये संसाधन सारे हैं आपके स्कूल में, तो पहले और अब में आपको क्या बदलाव नजर आता है? पहले तो थोड़ी दिक्कत आती थी बच्चों को, यानी कि बुक में जो संकल्पना होती है, जो आइडियाज होती है, वो क्लियर कर नहीं कर सकता था। बच्चे सिर्फ बुक पढ़ते थे और एग्जाम देते थे, ये कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब नया तकनीक आया है ना, तो बच्चों को रुचि दिलचस्पी लगती है, पढ़ाने में दिलचस्पी लगती है, कुछ खोजने की दिलचस्पी लगती है, ये बहुत ही बड़ा फर्क है दोनों में। और हमने अभी एक किया है कि हमारे एरिया में, नजदीकी एरिया में जो कुछ कंपनी है, प्रोसेस कंपनी है, यानी बॉक्स पैकिंग कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है, यहाँ एरिया में जो कुछ कंपनियां हैं खेती के बारे में नया रिसर्च करने वाली कंपनियां हैं, उससे हम विजिट करते हैं बच्चों को, और कैसी प्रोसेस होती है, क्या क्या करते हैं, यानी मिल्क प्रोसेस कैसी होती है, फूड प्रोसेस कैसी होती है, यानी कि पैकिंग बॉक्स कैसे बनते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स क्या लेते लेके जाते हैं, ब्रिक्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या कंटेंट लेना चाहिए, बच्चे को खुद फील्ड में लेके जाते हैं। इन्वायरमेंट सिखाने के लिए तो हम हमारे यहाँ ये जो गांव है वो तो पूरा 1994 में अवार्डेड है, इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार अवार्डेड है 1994 में, तो बहुत ही ग्रीनरी है यह, तो बच्चों को उस ग्रीनरी में लेके जाते हैं, फील्ड में लेते जाते हैं, और बच्चों को सिखाते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है, बच्चों को बहुत ही आनंद लगता है। वो पेरेंट्स को कहते हैं बच्चों को आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, हमें पूरा भरोसा है, बच्चे कुछ पेरेंट्स कुछ नहीं बाधा डालते, उसी को अच्छा लगता अच्छा है। और वो कई कई पेरेंट्स को तो हमारे साथ भी आते हैं, चलो हमें भी आता है आपके साथ, ऐसे भी करते, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत है। अच्छा तो मतलब कम्युनिटी के पेरेंट्स भी आके बच्चों की मदद करते हैं स्किल सीखने में। हाँ जी बिल्कुल सर। तो सर आपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया है, ये तो मानना पड़ेगा सर। लेकिन सर आपको यहां तक पहुंचने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों पर आपने कैसे काबू पाया? हमारे जो साथी है, टीचर लोग है, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसका साथ लेना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स को ये बात मालूम करना चाहिए कि आपके बच्चों के लिए बहुत कितना अच्छा है, ये पहला होता है, यानी पेरेंट्स की साथ मिलना चाहिए, दूसरे हमारे टीचर की साथ मिलना चाहिए, और तीसरा ये है कि हमें जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो दिक्कतें आती है, और तीसरा यह है कि फंडिंग कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि क्योंकि इसके लिए तो कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो फंडिंग कैसे, ये दिक्कतें आती है, चार दिक्कतें आती है, पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट, फंडिंग का सपोर्ट, और इंस्ट्रूमेंट कैसे अवेलेबल करने का है, ये सब दिक्कतें आती है। तो सर कैसे आपने अपने टीचर्स को कन्विंस किया या कैसे आपने अपने टीचर्स के अभिरुचि पैदा की कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें और बच्चों को नवीन तरीकों से पढ़ाने का प्रयास करें? हाँ,
मैंने पहले तो टीचर मेरे साथी है, तो मैंने टीचर को बताया कि हमें बदलना है, हमें चेंज करना है, यानी कि हमें अपडेट होना चाहिए। इस जमाने में क्या चल रहा है उसके साथ हमें चलना चाहिए। और दूसरा मैंने ये सोचा कि उसको कर दिया है, उसकी भी कुछ आइडिया होगी, टीचर की आइडिया होगी, उसको भी शामिल कर दिया कि सर क्या करेंगे, उसके साथ डिस्कस करके हमने डिसीजन ले लिया है। वो पहले टीचर का सहयोग ले लिया, दूसरे हमने पेरेंट्स का मेला बुलाया और पेरेंट्स को प्रेजेंटेशन किया कि कितना फायदेमंद है, क्या करने का है, पेरेंट्स की भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है, बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, पेरेंट्स को बताया हम। तीसरा हमारी जो ट्रस्टी है उसका तो बहुत योगदान होना चाहिए, ट्रस्टी की अनुमति नहीं मिलती तो नहीं कर सकते। ट्रस्टी ने तो हमें ये कहा है कि आप जो करेंगे बच्चों के लिए भले के लिए करेंगे, लेकिन जो करने वाले हो हमें पहले बता दे, आप कुछ दुरुस्त करेंगे, कुछ नया करेंगे और आप कर सकते हैं, और ट्रस्टी का सपोर्ट मिला है हमें। और तीसरा जो फंडिंग होता है तो बहुत सारे एनजीओ होते हैं, तो एनजीओ को मैं प्रपोजल भेजता था कि स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या पर्पज है, बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, हमारा ध्येय क्या है, ये सब प्रोजेक्ट के द्वारा एनजीओ से हेल्प लेते हैं। और एनजीओ में 10 एनजीओ के पास जाते जाते तो एक एनजीओ हेल्प कर देते, लेकिन हेल्प मिलती है, बिल्कुल सर लेकिन प्रयास करना पड़ता जी है। सर अभी जो स्कूल बिल्कुल है ना सर, 1.5 कोटी का है, ये सब हमारे जो पेरेंट्स है, गांव वाले हैं और डोनर हैं, उसकी आशे है, बिल्डिंग बनाए हम। सर, इन सब चुनौतियों के होते हुए भी आपकी उपलब्धियां क्या-क्या रही हैं? हमें तो क्या बोलते हैं, हम समाधानी नहीं है, यानी सेटिस्फाइड नहीं है। हम कर रहे हैं बच्चों के लिए तो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे स्कूल में ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम के लिए हमें बहुत अवार्ड मिला है, वो स्कूल को अवार्ड मिला है, मेरे को भी अवार्ड मिला है, लेकिन अवार्ड के लिए नहीं कर रहे हम, तो हम सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं सर। तो कहाँ कहाँ से आपको पुरस्कार मिले हैं? कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं आपको और आपके विद्यालय को? आइडियल टीचर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिला है, और आइडियल स्कूल ये एनजीओ से मिला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मिला है। और इसके साथ में और क्या अचीवमेंट बच्चों की तरफ से हैं? बहुत ही अच्छा लगा, नेशनल लेवल पे हमारा बच्चा फर्स्ट आया, और वो उसकी जी संकल्पना है उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट नंबर आया, ये बहुत ही हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की बात हो गई है सर। हाँ सर, किस चीज का एग्जीबिशन लगाया था? वो नया नया इन्वायरमेंट पे लगाया था, नया नया तकनीक होती है, नया नया समस्या होती है उस पे लगाया था, तो गार्बेज होती है ना, गार्बेज का, जी गार्बेज के लिए हमने प्रेजेंटेशन किया था। मतलब सर, इतना सब कुछ आपने अचीव किया है तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मतलब कहाँ से मिलता है आपको इतना मोटिवेशन कि आप हमेशा कुछ न कुछ नया करने की तलाश में लगे रहते हैं? ये मेरा पसंदीदा सवाल पे आप आ गए, तो क्या है कि मेरे को ये नहीं मिला सर। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे को बुक सिर्फ पढ़ने को मिलता था, आपके मन में जो है वो करने को चांस ही नहीं मिलता था, और टीचर भी क्या कहते थे, बुक पढ़ाते और ले जाते थे, एग्जाम लेते थे। स्कूल में बच्चों को दिलचस्पी लगना चाहिए, कुछ बच्चों के मन में जो है वो करने को मिले, लेकिन हमें मिलता नहीं था। तो मैंने सोचा कि हम पढ़ के क्या करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, 12वीं होंगे, 10वीं होंगे, लेकिन काम नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। किसी के पास काम मांगने जाओगे तो बोलता है आपको क्या आता है, क्या आता है, सिर्फ बुक पढ़ा है, हाथ में स्किल तो कोई नहीं है। तो कुछ ना कुछ इस पढ़ाई के साथ स्किल भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे ग्रेजुएट हो गए तो भी क्या, बेकार हो जाओगे, तो पढ़ने का क्या फायदा। तो ये मेरे मन जी में पहले से आया था कि मेरे को कुछ स्किल एजुकेशन मिलना चाहिए, तो मैंने सोचा अब मेरे को यानी संधि मिली है, यानी मौका मिला है मेरे को कि हम बच्चों को, हमें जो नहीं मिला वो बच्चों को हम दे देंगे, इसका प्रयास करते हैं,
और बच्चों को जो आनंद मिलता है इससे मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन के लिए तो करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भाई विदेश का आधार है, वो बच्चों के लिए तो करना चाहिए, ये मैंने सोचा और मैं कर रहा। तो सर, जब आप इन सब प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, है ना, आप इतना, क्योंकि इन सब करने में तो बहुत ज्यादा समय जाता है, तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? नहीं, वो तो बोलते हैं कि टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता घर पे। मैं तो घर छोड़ता था 7 बजे से, और शाम को कितना टाइम लगेगा तो मालूम नहीं, वो पूरा दिन मैं स्कूल में रहता है, और संडे में भी जब कभी मौका आता है तो जाता है। इतने सारे सिलेबस होता है कक्षा का, तो उस सिलेबस के अलावा आप इतने सब कुछ चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, कहाँ से लाते हैं वो टाइम, कैसे निकालते हैं और कैसे उसमें संतुलन बनाते हैं कि सिलेबस भी पूरा हो जाए और ये भी हो? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जब स्कूल आते हैं विजिट करने के लिए तो बोलते हैं आप कैसे मैनेज करते, तो मैंने पहले टाइम टेबल में चेंज किया सर, इस प्रोग्राम के लिए पूरा डे दिया है, एक कक्षा के लिए ओके हाँ मंडे ट्यूसडे ऐसा दे दिया है, टाइम टेबल में बढ़ोतरी की है हमने, और वो डेली रूटीन में हमने वो प्रोग्राम ले लिया है। तो मतलब एक दिन आपने सेपरेट रखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए। यस सर, सर, टेक्नोलॉजी में आपका काफी लंबा अनुभव भी रहा है, तो आप हमारे शिक्षक साथियों को कौन सी 3-4 बातें साझा करना चाहोगे जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? पहले तो टीचर ने अपडेट होना चाहिए कि जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए, ये पहला करना चाहिए। दूसरा, नया तकनीक सीखना चाहिए, और तीसरा जी हमारे बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों के अंदरूनी में क्या है ये ढूंढना चाहिए, और वो ढूंढ के बच्चों को जो सपोर्ट किया तो बच्चे बहुत ही अच्छे बनेंगे। सर मैं एक राज की बात बताऊं, मैंने कौन जी सा भी कंप्यूटर क्लास नहीं किया है सर, मैंने कंप्यूटर से यूट्यूब से देखकर मैं खुद ऑपरेट करके देखा है। और एक बात बताता हूँ, जी हमारे आसपास कई स्कूल नया नया प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ आइडियल बनाते हैं, तो कुछ स्कूल में विजिट करेंगे, वो स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में क्या है, फॉरेनर स्कूल में कैसी स्टडी है, हमारे स्कूल में कैसी स्टडी है, ये भी ढूंढना चाहिए। सिर्फ हमें हमारे स्कूल के बारे में आगे लेने जाने के लिए कुछ नया ढूंढना चाहिए सर। तो मैंने भी क्या किया, वो इंटरनेशनल स्कूल है, यानी कि मर्सिडीज बेंज इंटरनेशनल स्कूल है हिंजौड़ी में, हमारे पुणे एरिया में, वहां जी मैंने विजिट किया था। तो हमारे स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, वहां स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, मैंने पूरा स्टडी किया, तो मेरे को बहुत जी अच्छा लगा कि मैं उसके बराबर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उसके बराबर चल रहा है, क्योंकि उसके यहाँ प्रोजेक्ट के द्वारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पुस्तक पढ़ाते हैं, तो हमने भी बच्चों को कुछ नया सब्जेक्ट देके, प्रोजेक्ट देके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। और दूसरे भी बहुत स्कूल जी है, मैंने वही विजिट किया, उसमें क्या नया है, आपके यहाँ क्या नहीं है, ऐसा करके हमने हमारे टीचर ऑल टीचर विजिट करते हैं स्कूल पे, और उस स्कूल में क्या नया है वो हमारे स्कूल में लाने का प्रयास करते हैं। जी सर, तो सर अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहो तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी तस्वीर आती है? ये सब करने के लिए मेरे ट्रस्टी को, मेरे जो ट्रस्टी है यानी हमारे जो फाउंडर मेंबर है पिंपड़े अन्ना जो होते हैं, और हमारे उसके साथी जो होते हैं, और पूरे गांव वाले जो होते हैं, वो नहीं होते तो उसका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये कर नहीं सकता, वो उसकी पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। आज के एपिसोड में हमने विनोद जी से सुना कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा का स्तर बढ़ाने में किया जा सकता है। आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपके पास भी शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कहानियां हैं तो हमें ईमेल करके बताइए। मिलते हैं अगले शनिवार नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।